जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद दिव्यांशी पी। तो आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो आपने जैसे ही देखा ही होगा कि पिछले दिनों मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो थी तो उसमें हम सब कुछ बता नहीं सकते थे एक्चुअल में बीमारी क्या है। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे ये जो हो जाता है ऐसे सूजन हो जाती है, टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये वो है। लेकिन मैं आपको बता दूँ तो ये वो नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब तो छोटी प्रॉब्लम होती है, इनमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, पर मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि डॉक्टर बोलते हैं, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसमें इन्फेक्शन है मुझे। और बस इन्फेक्शन है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तीन साल के आसपास हो गया मेरे को इसमें। तो पहले जब शुरू शुरू में हुआ था तो उस मंथ मेरे को 3 बार सूजन आई थी, तो अब समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने बस सिकाई करा ली, दवाई खा ली, पेन किलर खा लिए, तो वो सब मतलब ठीक हो गया था। सिकाई की ये सब किया तो ठीक हो गया। तो उस दौरान मुझे बोला था डॉक्टर ने, जब 3 बार सूजन आई थी, कि इसको ना पूरे मुँह का एक्सरे करा लो तो पता चल जाएगा है क्या, क्योंकि डाढ़ दांत में कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, तो नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा, क्या है क्या नहीं है। तो हमने इसको, जब ठीक हो गया तो हमने इसको जाने दिया। अब हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम इतनी जल्दी सीरियस लेते नहीं हैं चीज़ों को, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो हमने सोचा अब ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 6-7 महीने बाद ये प्रॉब्लम मेरे साथ फिर से हुई, फिर से सूजन हुई। रात में मैं सो रही थी और सूजन हो गई, और बहुत भयानक दर्द के साथ ये सूजन होती है। तो फिर मैंने कोई ढूंढ के पेन किलर खा ली। फिर उसके बाद मेरे को फिर से, मतलब जब तक असर रहा, दर्द कम रहा, तो तब तक मैंने सपोर्ट के सारा काम कर लिया। उसके बाद फिर से दर्द भयानक और मैं रोने लगी। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर वही के पूरे मुँह का एक्सरे कराओ, समझ में नहीं आ रहा, डाढ़ में तो कुछ नहीं है, डाढ़ दांत में कुछ नहीं है। तो हमने उस दिन एक्सरे कराया, तो एक्सरे में भी कुछ भी नहीं आया। तो फिर दिमाग ख़राब हो गया कि अभी क्या करें, तो हम किस डॉक्टर के पास जाएँ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डाढ़ दांत की प्रॉब्लम ये है नहीं, गले में था नहीं, कहाँ दिखाएं समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हमने क्या किया, जानने वाले हैं मतलब हमारे, तो उनके थ्रू हमने हॉस्पिटल में चेक कराया। तो हॉस्पिटल में जब हमने चेक कराया, हाँ मैं एक बात बताना भूल गई, तो मेरे जो है ना गाल में ना, यहाँ पे एक बहुत बारीक सा छेद है, बहुत बारीक, दिखता भी नहीं है। तो उसमें ना डेली ऐसे लिक्विड टाइप से निकलता है, वाइट वाइट। तो ये मुझे ही समझने में बहुत टाइम लगा कि ऐसा कुछ मेरे मुँह में से निकलता है, ऐसे भारीपन सा हो जाता है, अंदर महसूस होता है दाना टाइप से, और वो खुद ही फिर निकल जाता है, ऐसे डेली निकलता है, डेली ही निकलता है। तो मैंने ये चीज़ बताई डॉक्टर को, तो हम हॉस्पिटल में गए, शायद ये इस वजह से ही है। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो उन्होंने दवाइयाँ चलाई, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं उन्हें भी नहीं समझा पा रही थी। तो फिर क्या हुआ ना, मैंने काफ़ी दिन दवाई खाई, मतलब तो उन्होंने बोला एंटीबायोटिक ज़्यादा खा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, किडनी पर असर आता है। तो फिर मैंने क्या किया, एक दिन जब ऐसे निकल रहा था ना, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई उनके अंदर से, और बेटे से वीडियो बनवा के मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला अरे ये तो दिखता भी है। मैंने कहा ये दिखता है, ये ऐसे निकलता है। तो उन्होंने क्या कराया, MRI वगैरह कराया, सारे टेस्ट कराए, हुआ MRI हुआ, पूरे मुख के एक्सरे में कुछ नहीं आया। फिर से दोबारा से हुआ, जब फिर MRI हुआ, तो MRI में यहाँ पे इन्फेक्शन आया। तो इन्फेक्शन आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी मतलब ये जो लिक्विड निकलता है, इस लिक्विड को जो निकलता है ना, उसका टेस्ट कराओ, ये वो रिपोर्ट भी है। तो मैंने इसकी भी जाँच कराई, तो उन्होंने उस हिसाब से भी 8 दिन वो दवाई खिलाई। तो उस दवाई से क्या होता था, इसमें तो आराम लगा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आराम लगा, जो मतलब 4-5 बार मुंह में से ये निकलता है दिन भर में, वो बस 2-3 बार निकलना शुरू हुआ, बस सिर्फ इतना हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन निकलता था। बाकी उससे मुझे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गए। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जब ये मतलब ये सूजन इतनी बढ़ गई थी जब, तो ना मेरी आँख से भी ना मुझे ना इससे धुंधला दिखने लग गया था, इससे साफ नहीं दिखता था मेरे को, आँख में सूजन आ गई थी, मतलब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। तब हम हॉस्पिटल गए थे, तो डॉक्टर को दिखाया था, तो वो बोलते नहीं इसकी वजह से आँख में नहीं हुआ, आँख में तो इन्फेक्शन है, चलो कोई बात नहीं, ये सब हो गया। तो फिर हमने ये सब करा लिया, तो उन्होंने ये जो निकलता उसके हिसाब से भी दवाई दे दी मुझे, लेकिन उससे भी आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप इसका ऑपरेशन करा लो, नहीं तो, मुझे नहीं बताया, मतलब मेरे जानने वाले जो थे उनको कहा कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराया गया तो थोड़े दिन बाद कैंसर हो जाएगा। तो मतलब मुझे नहीं बताई ये बात, उनको बताई ताकि हम घबरा ना जाए। तो हमें बोला ऑपरेशन के लिए, तो भाई मुंह का मामला है, मुझे डर लग रहा था, तो हमने उसको डिले कर दिया, हमने ऑपरेशन नहीं कराया। तो जिनको बोला था उन्होंने मुझसे बोला कि देखो, उन्होंने एक बात बोली है, तो मैं बताना नहीं चाह रहा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है, मैं इतना कमज़ोर दिल भी नहीं है मेरा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर हो जाएगा तो थोड़ी टेंशन वाली बात हुई, क्योंकि मेरी बेटी बस सिर्फ 2-2.5 साल की ही थी उस टाइम, तो मुझे बड़ी टेंशन हुई, मैं रोई भी बहुत। फिर मैंने कई दिन लगातार रोई, फिर उसके बाद मैंने खुद को संभाला
कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी होता है तो इसका मतलब मैं लकी हूँ, मुझे भगवान ने ये, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगले पल का पता नहीं होता है, वो मरने वाले हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मैं लकी हूँ कि मुझे भगवान ने ये इशारा दिया है कि मुझे कैंसर हो सकता है और मेरे पास पता नहीं कितने साल है, तो मैं उन कुछ सालों में अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूँ। तो मैंने ये सोच के इसको पॉजिटिवली लिया और मैं ऑपरेशन नहीं कराते ये फैसला करके भगवान के ऊपर सब छोड़ के हम अब आगे कंटिन्यू रखे। डॉक्टर ने बोला सफाई रखो बस और कुछ नहीं, तो मैंने वो डारा मतलब खूब डेली डेली सफाई रखी है, रात को ब्रश के बिना नहीं सो सकते, कुल्ला करना, नमक के पानी का, हल्दी के पानी का, सब किया मैंने। फिर उसके बाद अचानक से, फिर अभी कुछ दिन पहले ये मेरे साथ फिर से हुआ, 20-25 दिन पहले, तो बड़ी टेंशन हो गई, बहुत दर्द होता है। तो मैंने सोचा कि अब क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, तो मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैंने फिर से, क्योंकि दर्द होता है तो बर्दाश्त ही नहीं होता, तो हम डॉक्टर के यहीं पास में ही डॉक्टर है छोटा सा, उसके पास गए तो उसको दिखाया, गले नाक कान वाला जो होता है उसको दिखाया, तो उसने, उसे भी समझ में नहीं आया, उसने दर्द की दवाई दे दी, सूजन कम हो गई, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आया। उसने हमें डेंटल के पास भेजा, हम डेंटल के पास गए, फिर उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया, वो बोला सर्जन से ही बात बनेगी। तो कुल मिला के हमने जितने भी डॉक्टरों को दिखाया, बताया, बातचीत हुई, सब ने यही बोला कि ऑपरेशन होगा। तो फिर हमने सरकारी में भी दिखाया, देखो सरकारी का भी पर्चा है मेरे पास, तो कि शायद सरकारी वाले भी कर दे, तो ये देखो सरकारी का पर्चा है। सरकारी वाले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने क्या बोला, सीधा पानी तो निकल रहा है, निकलने दो, कोई बात नहीं है, खट्टा खट्टा खाओ और पानी निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जितने भी डॉक्टरों के पास गए हैं उन्होंने हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बताया कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होगा, बट कुछ लोगों ने ये बताया कि अगर हम ऑपरेशन भी कराते हैं तो इसमें भी कंडीशन बिगड़ सकती है, क्योंकि ये ग्लैंड जो होती है ना, इसी ग्लैंड में बहुत बारीक बारीक नसें यहाँ से सारी जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम फुल एक्सप्रेशन करते हैं, आँख बंद करते हैं, खोलते हैं, मुँह खोलते हैं, ये मुँह चला रहे हैं, ये सारे एक्सप्रेशन हमारे जो नसें हैं ना, वो इसी में जुड़ी हैं। तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि अगर ऐसा कुछ, मतलब अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो ऐसा नहीं है कि ये ठीक ही हो जाएगा, तो इसमें कंडीशन बिगड़ भी सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी आंखें कभी बंद ही ना हो, मेरा मुंह कभी बंद ही ना हो, मैं कर ही ना पाऊँ, और क्योंकि लगातार वो खुला रहेगा तो खुला होने की वजह से लगातार उसमें हवा लगती रहेगी तो सूख जाएगा, तो जो कंडीशन मतलब कुछ साल में जीने वाली हूँ तो वो मतलब कंडीशन बिगड़ जाए, उसके बाद मैं जल्दी ही ऊपर पहुँच जाऊँ। तो मुझे ऐसा भी बताया कुछ लोगों ने, बट अभी जितने डॉक्टरों से मिल रहे हैं वो बात की बात है क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन अभी जितने भी डॉक्टरों से मिली हूँ सबने यही बोला है कि अगर ऑपरेशन में देर की गई तो कैंसर बन जाएगा, और अगर कैंसर हो गया तो बच्चे छोटे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बट अभी फैसला यही किया है कि ऑपरेशन कराते हैं, देखते हैं जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। पर आप लोगों से यही विनती है कि मेरे लिए दुआ ज़रूर करना कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी के बारे में पता हो तो मुझे बताना, बिना ऑपरेशन के अगर ठीक हो सकता है तो कुछ ऐसा कुछ वो भी मुझे बताना। देखिए पूरा उनका एक्सरा भी करा रखा है, सारा कुछ मेरा हो चुका है, डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आता है क्या। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बस दुआ करना है सब कुछ अच्छा हो जाए, अगर मेरा ऑपरेशन भी हो तो मैं बोल पाऊँ, पहले की तरह हंस पाऊँ। तो ये है वो पर्चा, टोटल भरा हुआ है, ये देखिए, ये मैं डॉक्टर से मिली थी, और ये देखिए ये मेरी आँख तक इन्फेक्शन आ गया था, ये जो बनाया ना, ये इन्फेक्शन मतलब आँख तक हो गया था मुझे, ये देखिए अगर आपको समझ में आए तो। जब इसमें सूजन आ जाती है ना, तो जो जो पानी निकलता है ना, वो वाइट कलर का जो पानी निकलता है, जब इसमें सूजन आ जाती है ना, तो इसमें सूजन जब आती है तो उसमें से पस निकलता है। ये देखो मैंने ना वीडियो भी बनाई है उसकी, तो ये देखो इस तरह से ये पस निकलता है, और बहुत ही भयानक दर्द भी होता है इसमें, मैं बहुत परेशान हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा हंसती रहूँ, मुस्कुराती रहूँ, और जितने भी लोग मुझसे मिले और मुझे देखें तो वो सब हंसते रहें, तो इसीलिए मैंने कॉमेडी का बेस चुना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मरूँगी तो हंसते हंसते मरूँ, परेशानियाँ चाहे जितनी भी हो पर मैं हमेशा खुश रहूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।